ये कोई है ऐसी हदीस पे नबी सलाम के पास सलाम ने आना था तो वो नहीं आया क्योंकि दूसरे दिन आया तो आपने पूछा कि आप आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में को वो छोटा कुत्ते का बच्चा कतूरा जो था। कोई ऐसा है मसला सर जी? हदीस पाक है, जिब्रील सलाम ने वादा किया था कि मैं आऊंगा नहीं आए जी जी। तो फिर आपने पूछा कि तुम्हारा वादा था, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आपके घर में तो कुत्ते का बच्चा था उस वक्त आपकी चारपाई के नीचे जी जी। मैं उस घर में दाखिल ही हो सकता, तो आपने देखा बाकी छोटा सा बच्चा था उसको निकलवा दिया, फिर वो अंदर दाखिल हो गए। अच्छा, ये हदीस बिल्कुल ठीक। यानी वो बच्चा भाई लाइन पे रहिए मौलाना, वो कसदन घर पे रखा हुआ था या इत्तेफाक? आपने कोई नहीं रखा था, लोगों को इजाजत दी है कि अगर कोई आदमी खेती का कारोबार करता, खेती की हिफाजत के लिए दरकार है कुत्ता, शिकार के लिए है, घर की रखवाली के लिए, तीन सूरतों में इजाजत दी। वरना शौकिया जो रखते हैं ये तो फरमाया कि रोजाना किरात ओहद पहाड़ जितना सवाब इनका रोज मनसी होता जाता, काटा जाता। अच्छा, बहुत गुनाह कुत्ता ही रखना चाहिए, जरूरत के लिए आती शिकार हो या हिफाजत घर की या दूसरा कुछ। ये शौकिया बगलों में उठाए फिरते हैं और घर में बस बर्तन भी वो चाटते फिर रहे, कोई नहीं अंग्रेजों अच्छा पे कुत्ता, हर पलीद शिकारी कुत्ता भी। मौलाना फरमा रहे हैं कि शिकारी कुत्ते की इजाजत है और चौकीदार कुत्ते की इजाजत है, हाँ मतलब अगर आपने जानवरों की रखवाली के लिए डेरे की रखवाली के लिए रखा हुआ है तो तब भी गुंजाइश है जी जी। अगर आप उसे शिकार करते हैं तो तब भी इजाजत है, इजाजत बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा नहीं को कुत्ता रख सकते, नहीं रखना। सही है जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, ठीक है।